अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर वकास सुकुपी दमर में। आप सबको कहती हूं शामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से बिल्कुल ठीक होंगे। विंटर्स आने वाली है तो मैंने सोचा आपके लिए बनाए जाए नटी सिनेमन रोल्स। बहुत ही अच्छे बनती है, मजे की रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ये आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकती हैं, टी टाइम के लिए भी बना सकती हैं। इजी और यूनिक सी रेसिपी है। बस चलते हैं किचन की जानिब, झटपट आपके लिए हम मजे के बनाएंगे नटी सिनेमन रोल्स। जी तो व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नटी सिनेमन बंस बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले डो बनाने के लिए वार्म मिल्क मौजूद है। ये मेरे पास फ्रेशली वार्म मिल्क है। इसमें हम ऐड करेंगे इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, ये 1 टेबल स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है तो आप ग्रेनुलेटेड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छा सा व्हिस्क करेंगे जी, तो इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि अच्छा सा राइज हो जाए। तो मीनवाइल एक बोल में हम ऐड करेंगे मेल्टेड बटर, पाउडर्ड वाइट शुगर, अच्छे से इसको व्हिस्क करेंगे। बेकिंग करते टाइम पे आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका रेशियो आप एग्जैक्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्ट आपकी मेजरमेंट्स होनी चाहिए ताकि जो बेकिंग का रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। अच्छा, तो बटर और शुगर को हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए व्हिस्क किया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही अच्छी क्रीमी सी हो चुकी है। सो नाउ वी नीड टू ऐड 2 eggs। तो हम जो eggs हैं वो 1 by 1 इसमें ऐड करेंगे। नाउ द टर्न फॉर सेकेंड egg। अब इसमें हम फ्लेवरिंग के लिए ऐड करेंगे वनीला एसेंस। जी तो ये देखिए इंस्टेंट चीज जो है वो बहुत अच्छा सा राइज हो चुका है। अच्छा, तो एग और शुगर वाले मिक्सचर में हमने ऐड किया है यीस्ट वाला मिक्सचर। अच्छा, तो ऑल वेट इंग्रेडिएंट्स आर डन, नाइसली मिक्स्ड। हल्का सा व्हिस्क किया और इसमें अब हम ऐड करेंगे ये प्लेन फ्लावर। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी एक अच्छी सी स्मूथ डो रेडी करेंगे। जितने वेस्ट डो बहुत अच्छी सी नीट हो चुकी है और इसकी आप कंसिस्टेंसी देखिए। ये देखिए इसको हम इस तरह से अच्छा सा नीट करेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब हम इसको करते हैं कवर, और कवर करने के बाद इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए हम छोड़ेंगे ताकि डो जो है वो अच्छी सी राइज हो जाए। जी दिव्यर्स, ये देखिए डो बहुत अच्छी सी राइस हो चुकी है। तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए इसको राइस करने के लिए रेस्ट पे रखा था। और आप इसका वॉल्यूम चेक कीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा प्लेन फ्लावर डस्ट करेंगे। जी दिव्यर्स, अब हम रेडी करेंगे सिनेमन शुगर। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रेनुलेटेड बारीक वाली चीनी मौजूद है। शुगर में हम ऐड करेंगे बटर, सॉल्टेड बटर है, 1 टेबल स्पून हीप्ड ऑफ सिनेमन पाउडर। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे पास फाइन चॉप्ड वॉलनट्स, सम एलमंड्स एंड पिस्ताशियोस। आपकी मर्जी है, आप किसी भी किस्म का जो है वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से डस्ट करते हैं। डो को हम अच्छा सा थिन रोल करेंगे। जी तो ये देखिए बटर, शुगर एंड सिनेमन पाउडर का हमने अच्छा सा स्प्रेड रेडी किया है।
अब इस पर जो है इस पे इस तरह से हम अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको कटर से भी कट कर सकते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो इसकी कटिंग है वो बहुत इवन और स्मूथ होगी। अब हमारे पास यहाँ पर एक बेकिंग शीट मौजूद है जिसको मैंने लाइन किया है बटर पेपर के साथ। अब हम इसकी टॉपिंग पे थोड़े थोड़े इस तरह से नट्स लगाएंगे। अच्छा, तो हार्ट शेप सिनेमन बंस बनाने के लिए हम इस तरह से डो को स्क्वायर शेप में रोल करेंगे। अब इस पे स्प्रेड करेंगे सिनेमन बटर। अब इस पे हमने डस्ट किया है थोड़ा सा मजीद सिनेमन पाउडर। अब इस तरह से नट्स को स्प्रेड करेंगे। इस तरह से हाफ वे रोल करेंगे। ये देखिए, और इस तरह से हम तमाम रोल्स को रेडी करेंगे। जी तो मेरे सब हम सिनेमन बंस को बेक करेंगे तकरीबन 120 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छे से नाइस क्रिस्पी गोल्ड नहीं हो जाते। अच्छा, तो गैस के लिए हम एक पैन में तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे और इसको हल्का सा कुक करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 1 टेबल स्पून ऑफ बटर, 1 टेबल स्पून ऑफ ब्राउन शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें ऐड करेंगे टेट्रा पैक 1 टेबल स्पून ऑफ क्रीम एंड 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। अब इसको हम अच्छे से कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। जी तो अब जो ग्लेस है वो हम सिनेमन बंस पे इस तरह से ब्रश की हेल्प से लगाएंगे। जी तो व्यूअर्स, मछली ये देखिए सिनेमन बंस बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप चाहें तो आप प्लेन बंस भी रेडी कर सकते हैं। मैंने आज रेडी की है नट्स के साथ, बहुत ही हेल्दी और मज़े की रेसिपी है। और ये देखिए, एक हमारे पास हार्ट शेप है और एक हमने इस तरह से रोल्स को रेडी किया है। आई होप आपको ये डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। कमेंट करके बताएंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी, शुरू से एंड तक देखिए। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जी तो व्यूअर्स, आई होप आपको बेकिंग स्पेशल में नटी सिनेमन रोल्स या बंस की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद अब्बर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिल्कुल टाइम पर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।